मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में गौण व गौण के उपजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के बने प्रमाण पत्रों के मिले आपत्तियों के निस्तारण हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिला कल्याण समिति को गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रमाण पत्रों की जाँच कराने के बाद आए हुए प्रमाण पत्र को बनाया जाए। जिन मामलों के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुए हैं उनकी जांच करने के बाद ही सही तरीके से निस्तारित करने का कार्य किया जाए। इस अवसर पर अपर आयुक्त न्यायिक अधिकारी राम आश्रय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और हाईकोर्ट का एक आर्डर है जिसमें सम्मिलित है सर कि गोनर और गोट गोट डिफरेंट कास्ट के हैं कि सेम कास्ट के उसकी फैक्चुअल इंक्वायरी कर रहे हैं। तो फैक्चुअल इंक्वायरी से सर उन्हें तो नमाजी में यह साबित हो गया कि नहीं ये भी जाती है और उसी के आधार पर की जाए। और आपका तो जाँच नहीं हुई है, आपका क्या पॉइंट है? हमने मान शिकायत किया तो शिकायत पर तस्वीर से कोई जाँच नहीं। ठीक है, प्रधान और गांव के सदस्यों का बयान के आधार पर ही हमारी दरखास्त को निरस्त कर दिया गया, जबकि उसके आधार पर गांव में पार्टीबंदी है। कोई कहाँ कहेगा, कोई गो कहेगा, सारी चीज कहेगी, तो उस आधार पर श्रीमान हमारी दरखास्त को निरस्त नहीं किया जा सकता। उसमें कहें क्रेता और विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के नहीं, बयानामे में तो आप कह रहे हैं कि क्रेता और विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं, और प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कह रहे हैं कि हम कहना कि कोई जांच नहीं है सर। आदेश पत्र में ही सर लिखा हुआ है तहसीलदार की आख्या दिनांक 11/9/19 तथा आख्या 10/9/19 द्वारा रिपोर्ट कर चुके कि राजकुमार सुख कमला की जान ही जानकाओं के संबंध में स्थलीय जांच किया गया। सब लीगल बॉडी है सर, उसके मेंबर भी हैं सर, और इन्होंने खुद जो रिकॉर्ड दिया सर शिकायत जगदीश गोण के इनका जो है प्रमाण पत्र जाँच करने के बाद जो है निरस्त कर दिया। उसके बाद इसकी अपील हुई, अपील होने के बाद केस रही। जो श्रीमान का जो आदेश हुआ 19/11/2018 को, उस आदेश में जो निर्देश पारित किया गया था उस निर्देश का पालन नहीं किया, और जो भी रिपोर्ट के आधार पर इसमें दोबारा जो है श्रीमान आदेश पारित कर दिया गया, और इसमें हमको सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया, न कोई नोटिस दिया गया, सबको बिना सुने आदेश।